वाले हैं टिनोस्पोरा कोडिफोलिया के बारे में। टिनोस्पोरा कोडिफोलिया एक प्रकार की औषधि है जो प्राचीन काल से प्रयोग में लाई जा रही है। इसे अन्य भाषा में गिलोय भी कहा जा सकता है। गिलोय एक बहुत ही लाभदायक औषधि है जो कि आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दोनों में प्रयोग की जाती है दवाई के रूप में। गिलोय को गुड़च भी कहा जाता है। टिनोस्पोरा कोडिफोलिया एक प्लांट किंगडम की दवाई है। टिनोस्पोरा कोडिफोलिया की पत्ते दिल की आकार में होते हैं। ये दिल के बहुत ही असरदार दवाई है। तो ये दवाई शरीर के हर हिस्से को प्रभावित करती है। यदि आपको बुखार है तो ये दवाई बुखार उतारने के लिए बहुत ही लाभदायक है। ये दवाई दिल की धड़कनों को तेज से सामान्य करने में मदद करता है। यदि आपकी दिल बहुत जोर से धड़कता है तो ये मेडिसिन लेने से आपका जो दिल धड़कना है ये सामान्य हो जाएगा। अगर आपकी तिली बड़ी हो जाती है तो ये दवाई बहुत ही लाभदायक है। तिली की सभी समस्याओं में ये दवाई लाभदायक है। ये दवाई लीवर के लिए भी लाभदायक है। यदि आपको यूरिन इन्फेक्शन है तो भी ये दवाई ली जा सकती है। ये खून को साफ करने में भी लाभदायक है। ये दवाई शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में भी मदद करता है। वो कौन से लक्षण हैं जिसमें टिनोस्पोरा कोडिफोलिया होम्योपैथिक दवाई ली जानी चाहिए? जैसे कि मैं बता रहा हूँ, अगर आपको मलेरिया होता है और मलेरिया की समस्या आपको बार बार हो जाती है तो ये दवाई बहुत ही लाभदायक है। यदि आपको बहुत ठंड लगती है और फिर बुखार चढ़ जाती है, फिर अपने आप बुखार उतर भी जाती है, तो इस क्षेत्र में भी आप ये दवाई लेनी चाहिए। और यदि आपको बुखार होता है और उल्टी होता है, उल्टी भी पीत उल्टी जिसे कहते हैं, पीत उल्टी होता है, साथ ही सिर दर्द होता है, तो इस क्षेत्र में भी टिनोस्पोरा कोडिफोलिया दवाई लेना चाहिए। यदि आपको बार बार पेशाब हो रहा है और उसमें जलन भी महसूस हो तो इस दवाई बहुत ही कारगर है इस समस्याओं को ठीक करने के लिए। यदि आपका दिल बहुत तेज़ी से धड़कता है तो इस दवाई सामान्य करने में भी लाभदायक है। तो चलिए अब बात करते हैं इसके डोजेस के बारे में। टिनोस्पोरा कोडिफोलिया का प्रयोग मदर टीनेजर में करना है हर समस्याओं के लिए। यदि आपको मलेरिया हो जाता है और मलेरिया की समस्या बार बार हो जाती है तो टिनोस्पोरा कोडिफोलिया की 20-20 बूंद आधे कप पानी में डालकर हर एक घंटे में लेना चाहिए। ये दवाई आपको 5 दिन तक हर एक घंटे में लेना है और उसके बाद इसे दिन में 3-4 बार पीना है। अगर आपको तिली में समस्या है और वो बड़ी हो गई है तो टिनोस्पोरा कोडिफोलिया की 10 बूंदें आधे कप पानी में डालकर दिन में 3 बार लेना चाहिए। यदि आपको पेशाब बहुत होता है और उसमें जलन भी होती है तो टिनोस्पोरा कोडिफोलिया की 20 बूंद दिन में 3-4 बार लेनी है आधे कप पानी में डालकर। ये दवाई आपको 15 दिन तक लेनी है। यदि आपको बुखार है और शरीर भी टूट रहा है तो टिनोस्पोरा कोडिफोलिया की 10 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में डालकर हर आधे घंटे में लेना चाहिए। अगर आपको दिल बहुत तेज से धड़कता है, टिनोस्पोरा कोडिफोलिया दिन में 3 बार ले, आधे कप पानी में 10 बूंद डालकर इसके साथ अन्य दवाई का भी सेवन करें। अगर आपको बहुत सारे चर्म रोग है और वो खून की खराबी के कारण है तो ये दवाई आपके खून को साफ करने में बहुत ही मदद करेगी। टिनोस्पोरा कोडिफोलिया की 10 बूंद दिन में 3 बार आधे कप पानी में डालकर लेना है, इसके सेवन 1 महीने तक करें। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कोई सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। इस टाइप के नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।